मेरा नाम बलराम गुप्ता, सिकंदरपुर का निवासी हूँ। मैं सुबह पंचायत भवन सिकंदरपुर में बैठा था, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड बन रहा था, तभी मेरे फेसबुक आईडी से नंबर निकाल कर मेरे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल जैसे आया, उसमें उधर से आपत्तिजनक स्थिति में एक लड़की का पूरा शरीर आने लगा। मैं चौंक गया। चौंकने के बाद मैंने अपना सूझबूझ के साथ परिचय दिया और उसने उस वीडियो में बोली कि आप वहाँ जाओ, ये हरकत करो, वो हरकत करो। तो मैंने उससे बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, मैं दिन रात समाज सेवा करता हूँ, अच्छे बुरे लोगों का मुझे पहचान है, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगी, ये तुम्हारा गोरख धंधा है पैसा ऐठने का। कहीं बस उसने वीडियो बना लिया, जैसे चेहरा मेरा था वो आपत्तिजनक स्थिति में था। उसके बाद उसने वो वीडियो फिर व्हाट्सएप पे भेज दिया मेरे, और उसने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे मैं डाल दूँगी। उसके बाद मैंने कहा कि तुम डाल दो। फिर वहाँ से मैं चला आया परशुरामपुर थाने में, मीटिंग था, मीटिंग अटेंड कर ही रहा था कि एक हमारे चौरी के आगे गांव के हैं, जो उनका नाम गुप्त है, वो भी यहाँ पे आके रोने लगे थाने पे कि अरे साहब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे एक ब्लैक मेल कर रहा है, 12,000 रुपया मांग रहा है, अरे साहब मैं शिक्षक हूँ, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगा। मैं चौंक गया। मैंने कहा ये तो सुबह मेरे साथ भी घटना हो गई है, लेकिन मैं होशियारी के साथ परिचय दिया और तुरंत मैंने उस लड़की के पास फ़ोन लगाया। उस लड़की ने जैसे उठाया, मैंने सोचा कि पहले इनसे पूछे क्या ये चाहती हैं। उसने कहा अगर तुम मुझे 3,100 रुपीस नहीं दोगे तो ये वीडियो मैं फेसबुक पे डाल दूँगी। लेकिन वीडियो में क्या था, वीडियो में कुछ था नहीं, वो क्या डाल देगी। उसके बाद यहाँ के तेज तर्रार इंस्पेक्टर माननीय श्री अवधराज सिंह जी ने फ़ोन ले लिया, और फ़ोन लेते ही उन्होंने उनसे बात किया। बात करने के बाद तेज तर्रार इंस्पेक्टर श्रीमान अवधराज सिंह जी ने उस लड़की को इतना ज़ोर से डांटा, और वो जान गई लड़की कि अधिकारी ही बोल रहे हैं। उसने कहा कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन बड़े साहब ने कहा कि वीडियो अपलोड करके दिखा तू, तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा हो जाएगा साइबर सेल के द्वारा कि जमानत नहीं होगा तुम्हारा। वो डर गई और फ़ोन काट दी, और मैं भी आश्वस्त हो गया, मैं तो बच गया। क्या सूझबूझ का परिचय दिया, और सभी से निवेदन करना ये चाहता हूँ कि कोई भी आईडी से फर्जी रिक्वेस्ट आए तो उसको रिसीव मत कीजिए। व्हाट्सएप पे अगर वीडियो कॉल आता है तो उसको रिसीव मत कीजिए, नहीं तो आपत्तिजनक स्थिति में आ जाएगी। इन लोग का एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है जो लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठती हैं, और मैं बड़े साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी वजह से बहुत से लोग बच गए। और उसने मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहा, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो खुद बेवकूफ़ बन गई। तो आप किसी लड़की का रिक्वेस्ट आता है तो उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है किसी बाहरी नंबर से, दिल्ली, बम्बई, विदेश से, तो उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, नहीं तो आप लोग से वीडियो बना लिया जाएगा। बहुत से लोग होते हैं उसके बहकावे में आ जाते हैं। मैं तो ठहरा होशियार आदमी। उनके पास फोन आया था जी, तो उनके पास में क्या डिमांड आया था, कितना पैसा मांग रहे? 12,000 रुपये का डिमांड आया था, उनको ब्लैकमेल किया गया और ये कहा गया है कि मैं तुमको उठवा लूँगा उनसे। हाँ, वहाँ से जब उनके पास फोन आया, गुरुजी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी श्रीमान अवधराज सिंह जी के पास आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी यहाँ पे दिया है, और इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, लोगों को ये बात जाए और वो ठगी का शिकार ना होने पाए। ऐसे तमाम गिरोह चल रहा है सोशल नेटवर्किंग के द्वारा, इसीलिए आप लोग होशियार हो जाइए। तो आप सूचना दिए थे, कब दिए थे थाने पर? शाम को मीटिंग था, मीटिंग में आए, इंस्पेक्टर साहब को मैंने सूचना दिया, उसके बाद में फ़ोन लगाया, सारा बात मैंने बता दिया, इंस्पेक्टर साहब ने उसको डांटा। इस समय आप कहाँ मौजूद हैं? इस समय मैं परशुरामपुर थाने में मौजूद हूँ। तो आप ये फिर सुबह यही चर्चे पे आए थे क्या? जी, यही चर्चे पे आए थे कि बड़े साहब को धन्यवाद देने आया था कि बड़े साहब आपने उसको डांट दिया, उसने फ़ोन नहीं किया मेरे पास। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप लोगों का भी है कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, होशियार रहें सब लोग।
ये किसी के साथ भी घटना हो सकता है। मैं तो चालाक आदमी ठहरा।